जो राम हर कण कण का निर्माण किया है उस राम का मैं पूजा करता हूँ। आपका बनावटी राम का मैं भक्त नहीं हूँ और न बनावटी राम को मैं मानता हूँ। अपने नेताओं को बुलवा लीजिए। नमस्कार, मैं अपर्णा शर्मा। आइए जानते हैं जो सरकार ने ये तोहफा दिया है 200 रुपये का, LPG को 200 रुपये सस्ता करके, उस पे जनता की क्या राय है, जनता क्या कहना चाहती है। सर आपका नाम बताइए। विनोद राय मेरा नाम है। अच्छा, ये जो सरकार ने 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ती की है और कहा जा रहा है कि ये सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है अपनी बहनों माताओं को, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये कहने वाले पर तो मुझे बड़ी तरस आती है कि इनको 200 रुपये का तोहफा दिखाई दे रहा है। ये तोहफा नहीं दिखाई दे रहा है कि एक परिवार से लगभग 800 रुपया महीना पूरे देश का, माने मास परिवारों का, यानी 85% परिवारों से इसने 800 रुपया वसूला। प्रति माह 12 बटे 96 10,000 रुपया के लगभग इसने वसूल लिया एक एक परिवार से। आ दिया हमको क्या कि मैं आपसे 10,000 रुपया ले लूं और आपको 200 रुपया वापस कर दूं। वही हालात इस सरकार का, योजना का, जनता को अपना गुमराह करने का प्लानिंग का, और जनता को बार बार उसके घाव पर जख्म देना इस सरकार की पुरानी आदत बन गई है। ये निरंतर आप अभी समझ लीजिए, अभी तो गैस की बात है, जब कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जब 106 रुपया बैरल पेट्रोल खरीदती थी तो 57 रुपया में देती थी, आज पेट्रोल 57 रुपया बैरल है तो 112 रुपया में पेट्रोल बेचती है ये सरकार। अब रह गया सवाल कि भाई इनके नाना प्रकार के सारे खंडयंत्रकारी योजनाएं जो है देश को भेदने के लिए, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने के लिए, हमारे नौजवान शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य को ध्वस्त करने के लिए इनके तमाम इस तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन एक बात वो जान ले, चाहे जितना पापड़ आप बेल लें, 2024 ये संकेत दे रहा है, पॉलिटिकल शतरंज का दृष्टिकोण जो है रेखांकित हो रही है कि आपको 2024 में वही दस्तक देना है जहां आप 2014 में खड़े थे। लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरीके से आपको लग रहा है सरकार की ये सारी योजनाएं हैं जो वो काम आएंगी, या कैसे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये 4-5 जो स्टेटों का चुनाव होने जा रहा है ये सेविंग फाइनल है। अच्छा। इंडिया बनाम NDA का इसमें ये कहीं नहीं है। ये मध्य प्रदेश हार रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, ये राजस्थान हार रहे हैं, ये तेलंगाना हार रहे हैं, इनके इनके पास कहीं ये लड़ाई में नहीं है। और जो हम इसमें इंडिया इनका जो थोड़ा मोड़ा बच जाएगा तेरही करने के बाद, हम 2024 में इनको वही इनका अंत करके खड़ा कर देंगे जहां ये 2014 में खड़े थे। और इनके पास न कोई प्लानिंग है, न इनके पास कोई योजना है, इनके पास केवल एक योजना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं पूछा, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, एक आदमी बता दे इसमें कोई योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो, नहीं है। अब रह गया सवाल कि सबका साथ हो ही गया है, आज सबका अपने विकास है, विकास कर ही दिया है, तो वोट मांगने की क्या जरूरत है? तब तो आप अपने मंत्रियों को बुलवाइए, अपने नेताओं को बुलवा लीजिए, अपने विकास पर छोड़ दीजिए घोसी की चुनावी रणभेरी को, आप जीत लीजिए। अगर आप नहीं जीतते हैं तो सबका विकास नहीं, हिंदुस्तान का आपने सर्वनाश किया है, और हिंदुस्तान की जनता आपका सर्वनाश करने का फैसला कर लिया है। 2024 में हम वही इनको खड़ा करेंगे जहां ये 2014 से निकले। एक सवाल और है मेरा कि आपको आपको देख के पता चल गया है कि आप BJP को बिल्कुल भी किसी भी तरह से समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई भी जो भारतीय है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखता है, जो राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम कर रखता है और उसके पास सोच है, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को के तरफ
देख नहीं सकता, उसके खिलाफ उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, उसकी बात नहीं कर सकता। मुझे एक और चीज जाननी है कि ये जो राम जन्मभूमि का जो फैसला योगी सरकार के रहते आया, ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल खुश नहीं है, ये इस चीज आपके लिए? राम जन्मभूमि इनका राम नहीं, बाबा मोदी जी का राम नहीं साहब, मैं उस राम का आराधना करता हूं जिस राम ने कायनात का निर्माण किया है, जिस राम ने इसी पूरे दुनिया का एक एक कण का निर्माण किया है। लेकिन इससे पहले भी तो कई सारी सरकार, राम का नहीं, आपके राम के प्रति मेरी कोई आशा नहीं, जिस राम को आपने बनाया है उस राम को नहीं मैं मानता, जो राम हमको बनाया है, जो दुनिया को बनाया है, जो हिंदुस्तान को बनाया है, जो उत्तर प्रदेश को बनाया है, उस राम का मैं दिल से नमन करता हूँ। अब मैं हिंदुस्तान नहीं दुनिया की जनता से अपील करता हूँ कि उस राम को अपने दिल में बैठाएं, ये राम को, जिस राम को ये अपना मुद्दा बनाए हैं, जिस राम के नाम पर इन्होंने नाना नाना प्रकार से इन्होंने अपना खंडकारी योजना का मूर्त रूप दिया है, उस राम का मंदिर आपने नहीं खुलवाया, उस राम के लिए जमीन आपने नहीं एक्वायर कराया, उस राम के लिए कांग्रेस पार्टी ने कराया, नरसिम्हा राव सरकार ने कराया, और राजीव गांधी ने उस मंदिर का ताला खुलवाया था, और नरसिम्हा राव ने मस्जिद के लिए भी और मंदिर के लिए भी वहां जमीन एक्वायर किया था। आपने तो केवल बीच में आकर के एक फर्जी आपने तरीके से क्रेडिट के चक्कर में आपने पूरा देश में वैमनस्यता भर दी, देश में हिंदू मुसलमान करा दिया, देश को बांटने का काम कर दिया। मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अब मैडम मैं फिर अब अपना अंत इस स्पीच को खत्म कर रहा हूं। एक बात को आप समझ लीजिए कि मैं उस राम का भक्त हूं, मैं उस राम को सम्मान करता हूं जो राम मेरा आराध्य है, जो राम हमको बनाया है, जो राम हर कण कण का निर्माण किया है, उस राम का मैं पूजा करता हूं। आपका बनावटी राम का मैं भक्त नहीं हूं, और न बनावटी राम को मैं मानता हूं।